एक मेडिकल MBBS स्टूडेंट बहुत ही हार्ड वर्किंग और इंटेलिजेंट, हमेशा टॉप के बच्चों में आने वाला, पर उसकी एक आदत की वजह से वो पिछले कुछ समय से बहुत ही ज्यादा परेशान था और इसका डायरेक्ट असर उसकी पढ़ाई पे पड़ रहा था, जिसकी वजह से उसके मार्क्स भी डाउन चले गए थे। मेडिकल स्टूडेंट होने की वजह से वो डॉक्टर राजीव को जानता था, इसलिए वो उनके ब्यूटीफुल माइंड क्लिनिक में आया और उसने डॉक्टर राजीव को बताया कि अगर किसी भी न्यूज़पेपर, मैगजीन, जर्नल या बुक में कोई भी मेडिकल रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है तो जब तक वो उसे ले ना ले या उसे खरीद ना ले, उसे तसल्ली नहीं होती, उसे अजीब सा लगता रहता है। उसे पता भी होता है कि उसे इस इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, पर फिर भी वो खुद को रोक नहीं पाता। इस चक्कर में उसके हजारों रुपए खर्च हो चुके हैं, उसका हॉस्टल रूम भी बहुत ज्यादा भरा हो गया है और अनटाइडी रहता है, जिसकी वजह से उसके रूममेट ने उसकी कंप्लेंट भी कर दी। वो अब तक 3 रूम चेंज कर चुका है ये सोचकर कि शायद नए रूम में जाकर उसकी आदत बदल जाए, पर वो चाहते हुए भी खुद को रोक नहीं पाया और 4 बोरियां सामान की हर बार नए रूम में लेके गया। दूसरे मेडिकल स्टूडेंट उसके ऊपर हंसने लगे, उसका मजाक उड़ाने लगे और उसको इंसाइक्लोपीडिया बोलने लगे। इन सब चीजों की वजह से वो बहुत ही ज्यादा अकेला पड़ गया है, उदास और दुखी रहने लगा और चाहते हुए भी वो अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट कर नहीं पा रहा और बहुत ही ज्यादा प्रेशर और हेल्पलेस फील कर रहा है और वो जोर जोर से रोने लगा। इतने ब्रिलियंट स्टूडेंट की ऐसी हालत देख के डॉक्टर राजीव की आंखें भी भर गईं। ये सिम्टम होते हैं OCD होर्डिंग के, जिसे वहम की बीमारी भी कहते हैं, जिसमें इंसान को सामान इकट्ठा करने की आदत पड़ जाती है और वो चाहते हुए भी उसे फेंक नहीं पाते। उन्हें लगता है कि पता नहीं इस सामान की कब जरूरत पड़ जाए। कुछ लोगों को लगता है कि सामान के बिना जैसे कि वो अधूरे हैं और कुछ लोग अपनी फीलिंग एसोसिएट कर लेते हैं सामान के साथ। बचपन में डॉक्टर राजीव के पड़ोस में एक अंकल रहते थे, उम्र लगभग 40 से 45 साल। उनके और उनकी वाइफ की बहुत ही ज्यादा हर थोड़े दिनों के बाद जोर जोर से लड़ाई होती थी। अंकल की एक बहुत ही अजीब आदत थी कि उनके घर में कोई भी गिफ्ट पेपर, पैकिंग का डब्बा, दिवाली की मिठाई का डब्बा, ग्रीटिंग कार्ड, शादियों के कार्ड, यहाँ तक कि दुकानदारों के थैले भी वो सब इकट्ठा करके रखते थे, जिसकी वजह से उनका घर पूरा गंदा रहता था और आंटी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती थी और कुछ चीजों से तो स्मेल भी आने लगती थी और वो अपनी किसी चीज को हाथ भी नहीं लगाने देते थे। गली के सारे लोग उन्हें रद्दी वाले अंकल कहने लग गए थे। कुछ साल बाद जब डॉक्टर राजीव शर्मा साइकेट्रिस्ट बन गए तो वो डॉक्टर राजीव शर्मा के ब्यूटीफुल माइंड क्लिनिक में आए और उन्होंने बताया कि वो अपनी इस आदत से बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए हैं। उनकी इस आदत की वजह से अब उनके पोता पोती भी उनके कमरे में नहीं आते और उन्हें बहुत ही दुख लगता है और वो चाहते हुए भी अपना सामान नहीं फेंक पाते। उन्हें लगता है कि अगर मैंने ये अपने सामान को फेंका तो जैसे उनकी जिंदगी में कुछ कम हो जाए। जैसे कि हमने डॉक्टर राजीव शर्मा से जाना कि इसे सामान इकट्ठा करने की बीमारी या फिर OCD होर्डिंग कहते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। डिसऑर्डर का मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसकी वजह से अगर हमारे डेली बेसिस के कामकाज खराब हो रहे हैं, इसका मतलब वो कोई डिसऑर्डर है। रिसर्च के हिसाब से वहम की बीमारी लगभग हर 100 में से 2 या 3 लोगों को होती है, चाहे वो इसका इलाज करवाएं या नहीं। वहम की बीमारी जैसे समय की बर्बादी बहुत ही ज्यादा होती है, जिसकी वजह से 50 से 70% लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और कुछ केसेस में लोग सेल्फ हार्म या सुसाइड तक कर लेते हैं। OCD में 2 चीजें होती है, ऑब्सेसिव और कंपल्सिव। ऑब्सेसिव का मतलब होता है हमारे दिमाग में आने वाले विचार और कंपल्सिव का मतलब होता है उन विचारों की वजह से हमारा बिहेवियर। सबसे पहले बात करते हैं ऑब्सेसिव। ऑब्सेसिव में 4 चीजें होती हैं। नंबर 1, इरेशनल थॉट। इंसान को पता है कि जो विचार उसके मन में आ रहे हैं वो गलत है, पर फिर भी वो खुद को रोक नहीं पाता। एक महिला थी, उनके हस्बैंड विदेश की कंपनी में जॉब करते थे। छुट्टियों में जब भी घर आते वो बहुत सा सामान लेके आते अपनी वाइफ के लिए और अपने बच्चों के लिए, पर उनकी वाइफ सारा का सारा सामान संभाल के अलमारी में रख देती। उनके बच्चों ने बताया कि उनकी मम्मी ने कुछ साबुन की टिक्कियां ऐसी रखी थी जो 10 साल पुरानी हो चुकी थी, परफ्यूम थे जो एक्सपायर हो चुके थे, लिपस्टिक्स थी वो गल चुकी थी, क्रीम थी जो वो पानी छोड़ चुकी थी और यहाँ तक कि उनकी चॉकलेट भी खराब हो चुकी थी। उनकी मम्मी जानती भी थी कि अगर अभी बच्चों को खिलौने नहीं दिए तो बाद में वो किसी काम के नहीं रहेंगे, पर फिर भी वो अपने बच्चों को खिलौने नहीं दे पाती थी और उन खिलौनों को वैसे का वैसा ही अलमारी में रख देती।
उन्हें दिल्ली में सदर बाजार में शॉपिंग करने में बहुत ही ज्यादा मजा आता था। वो बहुत सारा सामान थोक में लेके आती पर उस सामान को कभी यूज नहीं करती, इसलिए उनकी पूरी की पूरी अलमारियां भरी हुई थी। और जब भी अंकल को कोई चीज चाहिए होती तो वो चीज कभी ना मिलती, इसलिए अंकल बहुत ज्यादा परेशान हो जाते थे। उन्हें लगता था कि मैं अपनी वाइफ के लिए इतना सारा सामान इतने प्यार से लेके आया हूँ पर मेरी वाइफ उसे यूज नहीं करती और सारा का सारा सामान खराब हो गया। इन्हें कहते हैं इरेशनल थॉट्स, मतलब समझते हुए भी कि सारा सामान खराब हो जाएगा वो खुद को रोक नहीं पाती थी। रिपीटेशन वो एक बार नहीं बार बार यही करती थी कि सारा सामान जो है संभाल के रख लेती थी। नंबर 3, अनएबल टू रेजिस्ट। वो चाहते हुए कि अपने बच्चों को कपड़े दे दें, पहनने के लिए खिलौने दे दें, खेलने के लिए, पर वो दे नहीं पाती थी। नंबर 4, इसकी वजह से बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रेस हो जाती थी। वो खुद भी अपनी आदत से परेशान थी और बच्चे बहुत दुखी होते थे कि सब कुछ होते हुए भी वो इंजॉय नहीं कर पाते थे और उनके हस्बैंड को भी बुरा लगता था। जैसे कि हमने जाना, ओसीडी के दो पार्ट होते हैं, ऑब्सेसिव और कंपल्सिव। ओसीडी होर्डिंग कंपल्सिव बिहेवियर है, मतलब इंसान के दिमाग में जो विचार आते हैं को जानते हुए कि वो गलत हैं, फिर भी वो उन विचारों के हिसाब से बिहेव करता है, उन विचारों के हिसाब से काम करता है। डॉक्टर राजीव बताते हैं, अगर किसी भी इंसान का रोज 1 घंटा पिछले 2 हफ्ते से सामान इकट्ठा करने की वजह से वेस्ट हो रहा है और वो बहुत ज्यादा परेशान है इसकी वजह से, इसका मतलब उसे ओसीडी होर्डिंग या सामान इकट्ठा करने की बीमारी है। पेशेंट खुद भी अपनी आदतों से बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, सब कुछ जानते हुए भी अपनी आदतों को चेंज नहीं कर पाते। दूसरे लोग उनको या तो बातें बनाते हैं या उनके ऊपर हंसते हैं, इसलिए वो काफी बार अकेला फील करते हैं। घर में 50-70% लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और सेल्फ हार्म या सुसाइडल थॉट्स तक आने लग जाती हैं पेशेंट के दिमाग में, इसलिए इसका इलाज कराना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कुछ लोग होते हैं कि अगर उन्होंने किसी भी न्यूज़पेपर, मैगजीन या कैलेंडर कहीं पे भी अगर भगवान की फोटो देखी तो वो उसकी कटिंग संभाल के रख लेंगे, या फिर कोई भगवान की मूर्ति हो, कुछ हो, वो सब संभाल के रख लेते हैं। और अगर कोई उनके सामान को हाथ लगाए या इधर से उधर करे तो उनको बहुत ही ज्यादा गुस्सा चढ़ जाता है और उनके मन में ये डर भी होता है कि अगर मैंने ये सारे सामान को संभाल के नहीं रखा तो हो सकता है कि कुछ अपशगुन हो जाए या फिर कुछ बुरा हो जाए। इसे ओसीडी ऑफ गॉड भी कहते हैं, इसके लिए अलग वीडियो है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, आपने सुना होगा कि वहम की बीमारी का इलाज तो हकीम के पास भी नहीं, हकीम के पास ना सही पर एक साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के पास जरूर ही वहम की बीमारी का इलाज है। साइकेट्रिस्ट आपको दवा देगा जिसका असर 2 या 3 महीने में होने लग जाता है। इस दवा का कोर्स तकरीबन 1 साल का होता है पर कुछ केसेस में लंबा भी हो सकता है। साइकोलॉजिस्ट के साथ काउंसलिंग सेशन बहुत ही ज्यादा मददगार साबित होते हैं इस बीमारी को समझने के लिए और इस बीमारी के बारे में जानने के लिए। ओसीडी या वहम की बीमारी और भी काफी चीजों से रिलेटेड होती है जिसके लिए अलग वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं। डॉक्टर राजीव के साथ मैं मोनिका, ब्यूटीफुल माइंड एकेडमी में हमारा मिशन है कि कैसे हम सही जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। अगर आप हमारे मिशन में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे कि हम लाखों हजारों लोगों की मदद कर सकें। और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो जरूर आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या अपने व्यूज को शेयर कर सकते हैं। बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि सबसे पहले नए वीडियो की जानकारी आपको मिले। हम लाते रहेंगे ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।